हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू ऋषिका एंजल चैनल उत्तराखंड, और मैं हूं शीतल। एंड मैं आज आपके साथ 25 रुपीज़ ब्राइडल मेकअप लुक चैलेंज शेयर करने जा रही हूं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, एंड आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और आप मुझे FB फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो और इंस्टाग्रामों में भी फॉलो कर सकते हो। मैं आपके साथ ऐसे भी मेकअप चैलेंज शेयर करूँगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने मेकअप लुक कैसे में किया, सबसे पहले मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए यूज़ कर रही हूँ जॉय का हनी एंड आलमंड मॉइस्चराइजर, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी यूज़ किया था। देन मैं इससे अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लूँगी। देन मैं यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का लिप बाम, जो कि मुझे ओनली 16 रुपीज़ में पड़ा था। देन मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का फाउंडेशन। अब गाइस 25 रुपीज़ में कंसीलर तो आता है नहीं, तो इसको ही मैं कंसीलर के लिए यूज़ कर रही हूँ, अपने अंडर आई एरिया में लगा लूँगी। सबसे पहले मैं आई मेकअप कर रही हूँ ना, इसे अच्छे से ब्रश से मैं फाउंडेशन को अच्छे से सेट कर लूँगी, ताकि मेरे आई शेडो पर बिल्कुल भी हार्श लाइन ना आए, वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। देन मैंने अच्छे से उसको ब्लेंड कर लिया है फाउंडेशन को। देन मैंने आउटलाइनर लिया और उससे ट्रांजिशन कलर के लिए लिया मैंने, फिर उसे अच्छे से ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ मैं। देन मैंने ब्लू हेवन का ब्लशर लिया, उससे मैं आई शेडो के लिए यूज़ कर रही हूँ, और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी मैं अपने क्रीज पे। देन मैंने वही फाउंडेशन लिया ब्लू हेवन का, और ऐसे कट क्रीज बना रही हूँ मैं। हाफ आई लेट पे लगाना है हमने इस तरीके से। देन मैंने वो 10 रुपीज़ का जो ग्लिटर आता है ना, शिमर, वो यूज़ कर रही हूँ, वो शिमर, और उसको ब्रश से लगा लूँगी मैं। अब ब्राइडल लुक है तो ग्लिटर मेकअप तो बनता है, ग्लिटर आई मेकअप लुक तो बनता ही है, और मैंने अच्छे से इसको लगा लेना है, ग्लिटर लगा लिया है। देन मैं काजल ले रही हूँ, और जिस तरीके से हम आईलाइनर ड्रॉ करते हैं उस तरीके से मैं विंग सा बना लूँगी, फिर मैंने इसे ब्लेंड कर लेना है, इस मजर से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इस मजर ब्रश होता है ना, इससे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, मैंने उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया। देन मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ, वही फाउंडेशन यूज़ किया मैंने, ये आपको 25-30 रुपीज़ में मिल जाता है, अच्छा फाउंडेशन है ये। मैंने भी इसको 25 में ऐसे परचेज कर लिया था। देन मैं इसे अच्छे से ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ। देन मैं यूज़ कर रही हूँ एस्पार्कल का फेस पाउडर, और इससे अच्छे से अपने फाउंडेशन को सेट कर लूँगी। देन मैंने अच्छे से अपना फाउंडेशन सेट कर लिया है। देन मैं यूज़ कर रही हूँ कलर गर्ल का आईलाइनर। फेस पाउडर भी गाइस अच्छा है, हाँ, प्राइस के हिसाब से अच्छा, और आईलाइनर भी अच्छा है, और फाउंडेशन भी अच्छा है प्राइस के हिसाब से।
देन मैंने आईलाइनर लगा लिया और मैंने उस ब्लशर से अपने लोअर लैश लाइन पे लगा रही हूँ ब्रशर को। देन मैं काजल लगा रही हूँ। आई फॉल्सेस मैंने ऑफ कैमरा लगा लिए थे। देन मैं अपनी आईब्रो को फिल कर लूँगी 8DS के आईब्रो पेंसिल से। देन मैं अपनी आईब्रो को कॉम कर रही हूँ एंड अब मैं आउटलाइनर होता है ना उससे ही मैं कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से अपनी चीक्स की नोज़ की अच्छे से कॉन्टोरिंग कर लूँगी। देन मैंने कॉन्टोरिंग कर लिया। मैं ब्लशर लगा रही हूँ ब्लू हेवन का जो कि 25 रुपीज़ में पड़ता है ओनली और अच्छा है वो। अच्छे से ब्लशर लगा लूँगी मैं। जब भी हमने लिपस्टिक लगानी पहले अपने लिप्स को रिमूव करना है तो मैंने रिमूव कर लिया अपने लिप्स को। देन मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। लिपस्टिक है रोजी मिस की जो कि 25 रुपीज़ में परचेज की मैंने, अच्छी है। देन मैं हाइलाइटर के लिए यूज़ कर रही हूँ सिमर जो मैंने आपको बताया था कि 10 रुपीज़ में मिलता है किसी भी लोकल मार्केट में। आपको ये ऑल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। इससे अच्छे से अपने चीक्स को नोज़ को क्यूपिड बो पे हाईलाइट कर लूँगी। देन मैंने हाईलाइट कर लिया है। देन मैंने बिंदी लगा ली। सो गाइस ये ना मेरा फाइनल लुक, जरूर लाइक कीजिएगा। पंच बदरी पंच केदार पंच पराग अखचन पंच पराग अखचन पंच पंडोबियनी अख भाग हमरा धन धन भाग हमरा धन धन कुन छिन एक ताल छिन मठ यकी महान छिन मठ यकी महान छिन ताल सहस्त्र घाटी फूल की आसमान छिन जमुना यक बिटी सभ्यों की भूख तीस मिटाणी चाहो कत करो तेल स्वाणी हेरी जो तेरी जो कुड़ी माँ मेरी मोलार सोरी गे ओ मोलार सोरी गे हाथों की हद वाली थामी जो तूने तगातो माँ प्रीत को रंग चोड़ी गे ओ कनु रंग चोड़ी। आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।